जीपीएल न्यूज हर खबर आपके। सरकार के सभी अप्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिला भेजने के फैसले के बाद कई संसाधनों के माध्यम से ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। ये लोग किसी तरह अपने घर पहुंचने की आस लिए निकल पड़े हैं। कोई मालवाहक ट्रकों से तो कोई पैदल ही चल रहे हैं, और विडंबना यह है कि लॉकडाउन में भी ये दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जिले के ऐसे ही चार लोगों की दुर्घटना में हुई मौत से आहत जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे ने अपने आवाज से एक संदेश जारी किया तथा हाथ जोड़कर सभी अप्रवासी मजदूर भाइयों से निवेदन किया कि थोड़ी देर ही सही लेकिन सुरक्षित आएं, जिंदगी कीमती है, अपने परिवार का ख्याल रखें। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज। बात जो मजदूर भाइयों का, तो हम सभी जानते हैं कि बिहार से हो चाहे उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में जाकर अपना रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते हैं वहाँ पे। तो उन सभी भाइयों से मैं निवेदन, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अब तो सरकार भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन वगैरह शुरू कर दी है, तो कृपया करके 10 दिन बाद ही सही। मान लीजिए अगर हम मजदूर हैं तो हम रजिस्ट्रेशन किए हैं या जो भी प्रोसीजर है, तो 10 दिन बाद ही मेरा नंबर है। हम 10 दिन बाद आना पसंद करेंगे, लेकिन हम किसी रोड एक्सीडेंट में मरना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज के समय में बहुत ऐसे फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें आप लोग, तो भाई न्यूज़ वाले आप लोग को पता ही होगा कि जो ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर लोग मजबूरी में, देखिए कोई खुशी को ये नहीं कर रहा, वो आदमी बहुत मजबूर होकर मतलब ये ट्रेन में, सॉरी ये बस पे या ट्रक पे के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, तो मजबूरी में वो लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी गलती है, मजबूरी का ऐसी चीज़ ही होती है। तो बस ये करेंगे कि भाई जो भी प्रोसीजर हो रहा होता है उस पर ध्यान दीजिए, और आपका नंबर 10 दिन बाद ही आए तो 10 दिन बाद ही आप घर आइए। लेकिन कम से कम आप मान लीजिए ट्रक और बैठ के आ रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो अगर ट्रेन से आओ, कृपया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ सभी लोगों से, मतलब जो स्थानीय लोग हैं या जो बाहर, जो हमारे भाई बंधु जो बाहर लोग रह रहे हैं, उनमें से भी निवेदन करूँगा, कृपया जिंदगी बहुत मूल्यवान होते हैं, उस पे मतलब थोड़ा गौर करें। धन्यवाद। जीपीएल न्यूज हर खबर।